ये अपना 2.4 वायरलेस कंट्रोलर गेम पैड है। बेसिकली एचटी के लाइट इसका मॉडल नंबर है और इसके पीछे यहाँ पे मेंशन है कि 4K अल्ट्रा को ये सपोर्ट करता है। लेकिन भाई ये जो गेमिंग स्टिक है ना, ये सिर्फ एचडी में ही अपने को गेमिंग का आउटपुट देगा। तो बॉक्स में से सबसे पहले अपने को गेमिंग स्टिक मिल जाएगी और ये जो गेमिंग स्टिक है ना भाई, इसके अंदर अपने को गोल्ड प्लेटेड का यहाँ पे HDMI पोर्ट मिलता है। तो महंगी बातचीत है। पीछे की तरफ दो पोर्ट है, एक तो पावर का पोर्ट है और एक है USB का पोर्ट है। और ये जो USB वाला पोर्ट है ना, इसके अंदर इसका डोंगल यहाँ पे फिट होगा जिसके थ्रू यहाँ पे कंट्रोलर कनेक्ट होंगे। और लेफ्ट साइड में अपने को यहाँ पे मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिलता है। इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड पहले से लगा रखा है कंपनी वालों ने, लेकिन गाइस ये वाला जो मेमोरी कार्ड ना, ये मैं से निकल नहीं रहा, कंपनी वालों ने इसको फिक्स करके दे दिया यार। अब वो कितने GB का है वो मुझे पता नहीं चल रहा है। नीचे की तरफ अपने को हीट सिंक मिलेगी, तो ज्यादा लंबे टाइम तक अपन इसके अंदर गेम कंटिन्यूसली खेल सकते हैं यार। और शायद तुम में से तो काफी लोगों को पता भी होगा कि थोड़ा टाइम पहले हमने यहाँ पे गेमिंग बॉक्स की वीडियो बनाई थी, वो ना भाई 5,000 रुपए का था। और 5,000 होने के बाद भी उसका जो कंसोल था ना, यहाँ पे कंट्रोलर इतने घटिया क्वालिटी के थे भाई, पूछो मत, मैंने उस वीडियो में बताया भी था। अब ये जो गेमिंग स्टिक है, उससे सस्ता होने के बाद भी इन्होंने क्वालिटी के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। ऐसा नहीं कि कंट्रोलर की क्वालिटी सबसे बेस्ट है, लेकिन वो जो चीप क्वालिटी का प्लास्टिक होता है ना, एटलीस्ट वो तो इसके अंदर नहीं मिल रहा अपने को। AAA के 2 सेल इसके अंदर लगते हैं, कोई बैटरी से ये चार्ज नहीं होता भाई, और जिस प्राइस में ये आ रहा है अपन यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बॉक्स में से एक HDMI एक्सटेंडर अपने को मिल जाएगा, जो अगेंस्ट एक अच्छी बात है और इसकी क्वालिटी अच्छी है। और एक पावर केबल मिल जाएगी। LED सेटअप करना इसको बहुत आसान है, पावर वाली केबल को अपने को स्टिक के अंदर लगाना है और दूसरा जो USB वाला पोर्ट है उसको आप अपने LED के बैक साइड के USB पोर्ट में या फिर किसी भी टाइप के चार्जर में लगा सकते हो, कोई इतना बड़ा सेटअप में प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, बहुत ही आसान काम है। ऑलराइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस गेमिंग स्टिक का UI। भाई अभी तक मैंने जितने भी कंसोल और कंट्रोलर यहाँ पे यूज करे ना, सबसे बेस्ट UI मुझे इस गेमिंग स्टिक का लगा है। ये सुपर क्लीन है, स्मूथ है, ऐसे कोई लैग इसके अंदर नहीं मिलेगा और रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात क्या है तुम्हें पता है, सारे गेम के फोटो अपने को साइड में शो भी हो जाते, तो कौन सा गेम अपन प्ले करने वाले हैं वो अपने को पता चल जाता है। और ऊपर के बारे में अपने को एक क्लास वाला ऑप्शन मिलता है और उसमें जाने के बाद इसके अंदर जितने भी कंसोल है ना, उन सभी की लिस्ट अपने को मिल जाएगी और अच्छे खासे गेम इसके अंदर अपने को मिलते हैं। 10,000 गेम है भाई इसके अंदर, तो सारे टाइप के जो गेम है ना, 90s के, 20s के, रेट्रोस के, 80s के टाइम पे, वो सारे गेम अपने को इसके अंदर मिल जाएंगे। और इस स्टिक की एक खास बात यह है कि इसके अंदर अपन गेम को यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। अब वैसे तो इस गेमिंग स्टिक के अंदर जितने भी यहाँ पे पॉपुलर गेम है जो अपन ने बचपन में खेले, इनफैक्ट दूसरों के घर पे जाके अपन ने देखे, खेलने के लिए मिलता नहीं था उस टाइम पे यार, क्योंकि ये गेमिंग वाले जो कंसोल था ना, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी उस टाइम के अकॉर्डिंग। और इस टाइप के जितने भी यहाँ पे कंट्रोलर होते हैं ना, ये डुअल मोड के हिसाब से बना रखे, मतलब आपके भाई या फिर दोस्त के साथ जब आप उसमें डुअल प्लेयर गेम खेलोगे ना, तो भाई आनंद आपको नेक्स्ट लेवल का मिलेगा, क्योंकि वो मजा ना भाई 90s के टाइम पे जो आता था ना, वो सेम मजा आपको अब के टाइम पे आएगा जब दो जने एक साथ बैठ के इसके अंदर यहाँ पे गेम खेलेंगे। अब इसके अंदर कुछ गेम प्ले करके मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से गेम इसके अंदर अपने को मिलते हैं जो कि पॉपुलर है। ओके मेरे भाई, अब इसकी प्राइस क्या है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे जान लो यार। वैसे तो देखो अमेजोन पे अगर आप इसको बाय करने जाओगे ना, तो 3,000 रुपये की समथिंग इसकी प्राइस है अमेजोन के ऊपर। लेकिन जहाँ से ये मेरे पास आया है एज अ रिव्यू यूनिट, वहाँ पर ये आपको 2,500 रुपये में मिल जाएगा। और इतना सस्ता .com एक वेबसाइट है जहाँ पर ये डिवाइस अवेलेबल है सिर्फ 2,500 रुपये में। तो आप चाहो तो वहाँ से जाके खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और ये वेबसाइट 100% सेफ है, तभी तो ये प्रोडक्ट हमारे पास आया। और एक ही बात को मैं कितनी बार रिपीट करूंगा यार। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि कंट्रोलर अच्छा है, पुराने गेम का मजा लेना है, तो इससे बड़ा स्टिक आपको मिलेगी नहीं इस प्राइस में। तो ये थी ये वीडियो अपने गेमिंग स्टिक के लाइट के बारे में। वीडियो कैसे लगे कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। तब तक के लिए बाय बाय।